हर्बर हर्बर क्या है आपने? क्या है क्या कर रहे हैं? किसका जांच करवाएगा? आपका तो गेट पर था ना, काहे नहीं आपको अपना जांच करवाएगा? क्या क्यों जांच कराते हैं? क्यों मरना चाहते हो? भैया तो खाइए ना, 5 दिनों से फीवर है, तो कुछ उपाय कीजिए, कुछ गाना सुनिए, कुछ देसी चीज कीजिए, कुछ ये करिए यार, हमको देखते देखते थक गए, मार दिया ऐसे लाइव मत दिए। नमस्ते सर, ड्राइविंग कैसे है? पेशेंट उसका डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर एम्बुलेंस आया, कंट्रोल रूम में गए, कंट्रोल रूम बोल रहा है कि आप कॉन्टेक्ट कीजिए, जिसको फोन लगा रहे हैं मैनेजर को फिर नहीं उठा रहा है। ये तो बिहार का परिस्थिति हो गया। रेणु देवी का आदमी है जिसका कोई कहना नहीं सुना, कोई नहीं बात माना। रेणु देवी फोन उपमुख्यमंत्री कहाँ की? बिहार कहाँ की? यहीं की है। कहाँ पर की फोन बेटा? डॉक्टर को तो बोल रही है कि यह है तो कोई नहीं। हम लोग 3 दिन से परेशान, कोई एक्शन नहीं। सुबेर से 10 पेशेंट, सुबेर से 10-12 पेशेंट मैं देख रहा हूँ, बस जैसे तैसे जा रहा है, मरा हुआ, कोई एक्शन नहीं। मेरा माँ को कुछ नहीं था, हाथ लगा था सब सही हो जाता। ये डॉक्टर को तो हम खराब देते हैं, इसका भी जो भी फैमिली हो यही मौत से मरे, यही मौत से छोड़ेंगे नहीं हम तो ये खराब देते हैं। समझे? यही सलाह देंगे इस डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को, सबको सलाह देंगे। जो मेरा माँ, मेरा माँ को लगा है जैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है एकदम, ऐसा कोई करता है? हम लोग अभी है, मेरी माँ गई है, किसी और के भी मार जाएगी, किसी को मार जाएगा, बहुत मार जाएगा। इस तरह से जब होगा नहीं है, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, हम लोग अपना हल कर रह जाएंगे, और भी लोग हल कर रह जाएंगे। एक उम्मीद जगह के आदमी लोग, ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं है, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है, क्या चीज है ये हॉस्पिटल? ये बेसिक का हॉस्पिटल है ये? क्यों हाथ नहीं लगाया है ये लोग? ये चीज का हॉस्पिटल है, बेड लगाइए सबको, यहाँ जितना भी मरीज है सबको नाटा लगाइए, बहुत ताम झाम, झूठ बोलता कोई मतलब नहीं बनता, हमारा शहर का ही यहाँ सबको मारने लगा पटना बोला जाता है, पटना शर्म नहीं लगता है, एक को भी है अंदर, बुला साले को साले, किस बात का पटना अभी कंट्रोल रूम में गए एम्बुलेंस के लिए, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा आपको, कुछ नहीं वो जिस हिसाब से बात करते हैं, जो मेरा काम है वही करेंगे। कौन बोल रहा है? कुछ हाथ नहीं लगाया, जब भी मिलने जाते हैं मुंह घुमा के भागता है ऐसे हरामी। पेशेंट क्या मर रहा है, इमरजेंसी है या नहीं है? सरकार खुश रहे यही बोलते है। आज मेरी माँ गई है, किसी का मामा भाई सब यहाँ एक दिन आप आए थे, इससे बढ़िया नेता, इससे बढ़िया शराब नेताओं को दीजिए सालों, ये शराब इन कुत्तों को। रात में झमेला हुआ है, किसी केस के लिए क्या? क्यों नहीं सबको शराब देंगे? मेरा
सर एक दिन आप आए थे ना देखने के लिए, क्या गंदगी हाँ गंदगी थी ना, कल सफाई हुआ है, तीन दिन रहे इतना गंदगी हम क्या हॉस्पिटल है सरकार के बारे में। अच्छा बताइए सर गंदगी से इंफेक्शन फैलता है कि नहीं? और बाबू हम तो आए तो एक दिन साफ हुआ, क्या आए थे सर आप आए थे देखे थे बस एक दिन, उसके बाद तो सब कहाँ गया नहीं कल सफाई हुआ, कल हुआ सफाई। नाम क्या लिखूं? नहीं ये हॉस्पिटल एकदम खराब है। पापा कहाँ? मेरे पापा ही है, मेरे पापा ये है। आपका नाम हम जानते हैं सर, बच्चे भी मेरा छोटा भाई है, वो भी कौन देखेगा हम लोग को, मेरी माँ घर की मुखिया थी, सबको माथा पे करके रखे रहती थी, अपने सबको हैंडल करती थी, एक बीमारी मेरी माँ को नहीं है, लहसुन का नबरा का सब कुछ नहीं था, मेरा माँ को यहाँ लाके सब बना दिया है हरामी लोग। डॉक्टर है यहाँ का? आप लोग यहाँ और सब पेशेंट बाकी है सर, देख लीजिए घर वहाँ अंदर में जाके क्या हाल होगा उन लोग को। आज तो लग रहा है कि बहुत सारा देखे हम, बहुत सारा देखे हम, बोलिए फिर आपके सामने सब गया है, मेरे आपके सामने सब गया है सर, क्या कहेंगे? गाड़ी एम्बुलेंस नहीं बची है, गोली पड़ा हुआ है, एम्बुलेंस जा रहा है, 2:50 में कोई प्राइवेट से ले जा रहा है, 2:50 से ले जा रहा है, कोई लेने नहीं आया है अभी, कौन भी आती है दोनों मुस्कुरा रहे, इन लोग का माँ बाप नहीं मर रहा है दोनों का, चलो भागो, इन दोनों का माँ बाप मरेगा साले, ऐसा ही हम लोग के साथ जो गुजरा है ना, तुम लोग गुजर जाएगा तो क्या करेगा, कोई दलाल होगा सर, हंसो मत किसी पर, कोई दलाल होगा साले, अभी तक एम्बुलेंस हम लोग को नहीं दिया, बोलिए कब से बैठे रहे हम लोग, फोन सब बंद है, कोई उठाता ही नहीं, अभी तक सुपरिटेंडेंट फोन लगाया सब बंद है, क्या सारा फोन मैसेज करो इसी को दिखा दो मैसेज, रेणु देवी फोन किया किसको किया कुछ पता चला? नहीं पता चला, बोला कि हम वही लोग से पता चल रहा है कि बात हो रही है किससे हो रहा है, वो भी बहुत दिक्कत, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, ये आप लोग यहाँ आए हैं, ये जो दलाल लोग पेशेंट को धमकाता है गाली देता है साला, उसको तो रोका कीजिए, कम से कम इतना परेशान आता है लोग, हम तो जब से आए हैं तो मरीज इतना ज्यादा है और डॉक्टर कम, डॉक्टर के पीछे 10-15 मरीज है, बेचारा क्या करेगा, किसी का डेथ हो जाएगा, जान बुझ के डेथ हो रहा है सर, क्या करेगा ऑक्सीजन के बगैर आदमी यहाँ डेली मर रहा है, दौड़ा सर मैं तो खुद दौड़ा ऑक्सीजन के लिए, फिर कैसे बोल रहे हैं लेवल के लिए, तीन बार तीन बार कैसे बोल रहे हैं, मैं खुद दौड़ा हूँ, दौड़ता है आदमी पीछे पीछे कैसे करके ऑक्सीजन मिले, चलो एक भी सीनियर डॉक्टर आता नहीं है नाटक करते, नहीं एक भी डॉक्टर नहीं आता सर, हम तो देखेंगे 12 बजे रात में सुइया पड़ा भैया, जो 10 बजे 9 बजे देने वाले इंजेक्शन देके चल गए, जो दवा देना है सर 12 ये 8 बजे हो गया है, 12 बजे रात में नहीं रहता है बहुत कम, एक दो छुट्टी दो घंटा साथी है, अगर गाय बोलने के लिए तो पहले दूरी बना के रखिए, वहाँ रहिए गेट पर रहिए, एक फोटो भेज दीजिए राउंड करते हैं जूनियर के अलावा, हम वीडियो बनाते हैं लेकिन हंगामा इतना मारपीट हो रहा, हम लोग खुद हाथ आ गए, मारपीट हो गया था बहुत जबरदस्त, मारपीट हो रहा था मारपीट कल रात में हुआ सर, कल रात यहीं पर तो पेशेंट और आरती के बीच में हुआ है, कल शाम को यहाँ पे ही हुआ था हंगामा, हंगामा होगा क्यों नहीं, यहाँ मॉर्निंग में 5-6 डेड बॉडी था, 5-6 और ज्यादा तो कम नहीं, उधर से एम्बुलेंस पेशेंट लेके आ रहा है, यहाँ से बोल रहा है निकलिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
एनएमसीएच में सरोज भैया से बात करो फोटोग्राफर से रात में महुआ में मेरे सामने पांच आदमी उसकी पतली पकड़ के रोती रही ऑक्सीजन लगाने वाला कोई नहीं था एक डॉक्टर नहीं था एक नर्स नहीं था। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।